Hello everybody, my name is Praveen and I welcome you at Bahuva Study Center and free online coaching. In this lecture, mein, basically SC Verma's jo string web ka jo chapter hai, uske exercise ka problem number 14 ko solve karne jayenge. Aur abhi tak maine aapko 1 se lekar ke 13 tak ke jitne bhi exercise ke problem hai, unka maine detail explanation diya hai. Aur ye jo sare jo exercise problem ko jo solve karne ka jo main purpose hai, wo hai कि आपकी जो स्ट्रिंग वेव की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जिनका थ्योरी में हमने क्लास लिया है, मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर के 6-7 लेक्चर इसमें डाले हैं स्ट्रिंग वेव के, तो जो हमने थ्योरीज पढ़ी हैं उसको और ज्यादा जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको और ज्यादा हम पॉलिश कर सके. ओके, और अभी फिलहाल मैं आपको साउंड वेव की जो थ्योरी के लेक्चर अपलोड कर रहा हूं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बिट्स पे होगा, स्टैंडिंग वेव पे होगा एंड ऑर्गन पाइप्स पे होगा. गाइस, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, और ये जो वीडियो है उसका लेंथ नियरली 10 टू 15 मिनट या मे बी 20 मिनट हो, और इसको हम मतलब बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. ओके, मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं. स्टील वायर ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर, इसमें ये इंफॉर्मेशन 60 सेंटीमीटर ये वायर का लेंथ है और उसका वेट है आपको 5 ग्राम. इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव पासिंग ऑन इट. ओके, इसका स्पीड क्या है, मतलब फोर्स कितना है 8 न्यूटन का, जो स्ट्रेच फोर्स है वो 8 न्यूटन का है. व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव पासिंग ऑन इट. ओके, चलिए तो पहले दो तीन चीज में देखते हैं. पहला चीज कि मान लो ये स्ट्रिंग है और इसके थ्रू कोई वेव पास कर रही है, तो अगर इसके थ्रू कोई वेव ट्रेवल कर रहा है तो ये मस्ट बी इन टेंशन. स्ट्रिंग में मस्ट बी इन टेंशन. अगर स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो वेव ट्रेवल नहीं कर सकती. ओके, वेव ट्रेवल इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उसकी जो डिस्टर्बेंस जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो. ओके, जब स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा तो जो डिस्टरबेंस हम क्रिएट करेंगे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, वो मूव ही नहीं करेगा. आप बात समझ रहे हो, जब स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा तो जो डिस्टरबेंस हम क्रिएट करेंगे वो उसकी वेलोसिटी जीरो. इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी होने के लिए टेंशन का होना बहुत जरूरी है. वेलोसिटी होने के लिए टेंशन का होना जरूरी है स्ट्रिंग में. अगर स्ट्रिंग में टेंशन होगा तो वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी होगी तो डिस्टरबेंस क्या करेगा, डिस्टरबेंस क्या करेगी, मूव करेगी. ओके, आप हम जब वीडियो जब थ्योरी की क्लास पढ़ रहे थे तो मैं मतलब जो थ्योरी के लेक्चर्स थे एससी वर्म साउंड स्ट्रिंग वेव के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट वेव वेलोसिटी. हम इस पे थोड़ा सा इस वीडियो में ये जो लेक्चर है इसमें थोड़ा सा इस पे एक बार फिर से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. ओके, और इसको समझने के लिए कैसे क्या करेंगे, मान लो ये स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग में क्या है, ये टाइट है. स्ट्रिंग टाइट है मतलब स्ट्रिंग में टेंशन है. जैसे हमारे जो क्वेश्चन था उसमें टेंशन कितना था आपको, 8 न्यूटन का टेंशन है. ओके, और हमने यहां पे कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया, मान लो हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, हमने कोई मान लो कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर कुछ मतलब जस्ट कोई फोर्स लगा दिया, मान लो कुछ फिंगर्स ऐसे मतलब पिक इसको डाउन कर दिया, तो ये यहाँ पे कुछ शेप क्रिएट हो जाएगा, मान लो ऐसा कुछ शेप क्रिएट हो गया. और ये जो शेप है वो ट्रेवल करेगा, वो क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा, मान लो कुछ देर बाद यहां पे पहुंच गया. और ये जब ट्रेवल करेगा तो इसकी स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी. स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट. और मैं इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड ना बना करके मैं इसको इस तरह अपवर्ड ताकि हमें समझने में आसानी हो. ओके,
तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा। ओके ओके, अब हम थोड़ा सा एक काम करते हैं गाइस, कि हम भी एक गाड़ी पर बैठ जाते हैं। मान लो ये अगर वी स्पीड से, ये वी वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, तो हम एक गाड़ी में बैठ जाते हैं, हम एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और हमारी जो गाड़ी है यहां पर जब आई तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो गई, वी हो गई। इस गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो गई, वी हो गई। तो अगर वी वेलोसिटी हो गई तो हमें क्या दिखेगा, हमें क्या दिखेगा कि ये जो पल्स है, मतलब ये पल्स वी वेलोसिटी से जा रहा है और हमने एक किसी गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, किसी कार में बैठे हुए हैं जो वी वेलोसिटी से जा रहा है। अगर हम कार से देखेंगे तो हमें ये जो पल्स, ये जो डिस्टर्बेंस है वो किस में लगेगा, वो होगा स्टेट ऑफ रेस्ट में। उसका स्टेट ऑफ क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन जो होगा वो होगा रेस्ट। ये क्या होगा, रेस्ट में। और जो ये जो स्ट्रिंग है वो हमें कैसी जाती हुई दिखाई देगी, हमें दिखाई देगी कि वो इस तरीके से जा रही है इस डायरेक्शन में। ओके, मतलब हमें क्या दिखेगा, ये जो शेप है, हमें दिखेगा ये जो शेप है, इस शेप के अंदर से, मतलब इसको मैं थोड़ा सा खोखला कर दूं ऐसे, तो हमें क्या लगेगा कि इस शेप के अंदर से स्ट्रिंग ऐसे मूव कर रही है, स्ट्रिंग जो है इस शेप के अंदर से ऐसे निकल रही है। ओके, स्ट्रिंग ऐसे निकल रही है इस शेप से, इस डायरेक्शन में ऐसे निकल रही है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले पार्ट के अंदर, ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट के अंदर जो स्ट्रिंग है वो एक कर्व्ड पाथ पे मूव करेगी। किस पे मूव करेगी, कर्व्ड पाथ पे। तो अगर आपको ध्यान होगा कर्व्ड पाथ पे, अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ध्यान दिए होगे, तो कर्व पाथ को मूव करने के लिए इसमें देयर मस्ट बी फोर्स, देयर मस्ट बी फोर्स। ओके गाइस, देयर मस्ट बी फोर्स। और आप अगर मान लो आप इस सेक्शन के अंदर की स्ट्रिंग को मैं कट करूं, मान लो इस स्ट्रिंग के सेक्शन के अंदर की स्ट्रिंग को मैं कट करूं, तो यहां पर मुझे इस डायरेक्शन में टी फोर्स लगेगा और दूसरा फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में टी। ओके, अगर ये लेंथ डीएल है, अगर ये लेंथ डीएल है, तो आप ध्यान से देखोगे ये एंगल क्या होगा, डी थीटा। ओके, और आप इससे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो इधर कैलकुलेट करोगे तो एक जो है आपको सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा, और सेंट्रिपिटल फोर्स और जो आप वेलोसिटी में, जो मतलब एंगुलर वेलोसिटी है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक ना, एम आर ओमेगा स्क्वायर, वट एवर, चाहे एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, जो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन है और जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, इसके बीच का रिलेशन निकालोगे, तो आपको जो टेंशन आएगा, टेंशन और वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन है कुछ इस टाइप आएगा, टेंशन इज इक्वल टू रो इनटू वी स्क्वायर। ओके गाइस, ये इसको जो सॉल्व करने का जो काम है ये आप खुद से कीजिए, ये जो सॉल्व करने का काम है इसको खुद से कीजिए। और इस वाले पार्ट पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए मदद के लिए, या फिर एससी वर्मा में इसको सॉल्व किया गया है, एससी वर्मा में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको देखिए। ओके, तो मेरा इस लेक्चर, मतलब इतना देर देने का मतलब ये था कि जब तक आपको स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा, जो डिस्टर्बेंस की वेलोसिटी जीरो होगी, जब टेंशन होगा तभी डिस्टर्बेंस में वेलोसिटी आएगी। ओके, और जब डिस्टर्बेंस में वेलोसिटी होगी तो वेव ट्रेवल करेगा। तो गाइज, इसके मतलब वेलोसिटी क्या होता है, बेसिकली टी बाई रो, या रो इज फॉर स्ट्रिंग वेव इज लीनियर मास डेंसिटी। ओके, और हमें टी पता है, हमें लीनियर मास डेंसिटी पता है, तो हमें वी निकालना होगा। चलिए मैं वी, तो सबसे पहले हमें टी पता है, हमें आपको रो निकालना होगा। तो रो बेसिकली क्या होता है, मास डिवाइड बाई लेंथ। और मास क्या है, 5 ग्राम है, तो मैं 5 को केजी में कन्वर्ट करता हूँ, 5 × 10⁻³, 64 into 10⁻²,
ओके, तो आप देखोगे 5/64 इंटू 10^-1, दिस इज रो। तो टी बाय रो व्हाट विल बी बेसिकली 8 डिवाइडेड बाय 5 ओके इंटू 640। ध्यान से देखोगे बट इट विल बिकम 8 इंटू 640 डिवाइड बाई 5, और जो वेलोसिटी क्या होगा दैट विल बी टी बाई रो का रूट होगा। तो व्हाट विल बी वी विल बी रूट ओवर 8 इंटू 640 डिवाइड बाई 5। ओके गाइज, तो गाइज आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी आपको 32 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। एंड गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन शेयर इट अमंग योर फ्रेंड एंड सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब। सो सब्सक्राइब माय चैनल भभुआ स्टडी सेंटर और फ्री ऑनलाइन कोचिंग। ओके गाइज, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक माई फेसबुक पेज भभुआ स्टडी सेंटर। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।